खुदा, क्या किसी ने देखा है या कोई मिला है? मेरे को मिलेगा क्या कभी? तेरी माँ की बहन साली, पकड़ को साली। ए वॉचमैन, पकड़ो उसको, बुर्के वाली को साली, पकड़ो उसको, जाने मत दो। थी 3 दिन से, जैसे ही पता चला अर्जेंट आ गई। कोई लफड़ा हो गया क्या साहब? कोई गलती हो गई? अल्लाह कसम मैं बीमार थी, अभी तलक बुखार है मेरे को। अरे मैं जानता है अर्मिता, तुम ऐसी नहीं हो। ये मोदी ने नोटबंदी कर दी ना, तो अभी कंपनी के पास पैसा नहीं है तुमको देने के लिए, मतलब कैश नहीं है। अब कंपनी में तू पगार नहीं मांगता केस में? मांगता है ना साहब। फिर अब कंपनी तुम्हारा पगार तुम्हें चेक से देगा? बैंक में अकाउंट है तुम्हारा? नहीं होगा ना? ये ठीक है, डरो मत, यहाँ पर किसी का भी नहीं। बैंक वाले हमको मदद करने को तैयार है, सबका अकाउंट अर्जेंट में खोल देंगे। ये उसी के लिए फॉर्म भरने का था, इसी के लिए तो तुमको फोन लगा रहा था कितने बार। तुम्हारा फोन ही लगता ही? हाँ साहब, वो फोन खराब हो गया इसे। लेकिन यहाँ पर लफड़ा हो गया ना, 5 बजे का टाइम था, तुम आई हो 6 बजे। अरे उधर क्या देखे, वो तो घड़ी बंद है। अरे तुम जैसे लोगों के साथ रह रहे के मैं भी बंद पड़े गए। अब क्या, अब अगले महीने फॉर्म भरने का, 2 महीने का पगार इकट्ठा लेने का? नहीं साहब, ऐसा मत करो, मेरे को बहुत जरूरत है पैसे का। घर का भाड़ा, चंदू किराने वाले का उधार भी चुकता करने का है, मेरी बहन नदीमा उसकी शादी में भी जाने का है। ऐसा मत करो साहब। अरे मैं क्या करेगा, हाँ तुमको बीमार भी पड़ने का है, शादी में भी जाने का है, उधार भी चुकता करने का है, और यहाँ पर फॉर्म भरने को टाइम पर नहीं आने का है? ऐसा नहीं है साहब, मैं सच में बीमार थी, डॉक्टर के फीस का भी पैसा नहीं था मेरे पास, इसीलिए 3 दिन खाट पे थी। अल्लाह का वास्ता है आपको साहब, कुछ करो। नहीं भर सकती ना, अंगूठा लगा सकती हो? मैं फॉर्म भर देता हूँ, तुम अंगूठा लगा देना। ये मोदी भी ना बैठे बैठे कुछ डिक्लेयर कर देता है, हम बैठे इधर फॉर्म भरते लोगों के। अरे हाँ सर। नहीं नहीं सर, सुनो, लड़की की शादी है ना, इसके लिए मांगे पैसे आपसे। नहीं सर, बैंक में है ना, इतनी बड़ी रकम थी तो बैंक में रखी, लेकिन अब निकाल नहीं सकता ना सर,
और आप तो जानते हैं लड़के वालों को, अब पैसा अगर टाइम पर नहीं मिले, डिमांड अगर पूरी ना हो उनकी, तो पलट जाएंगे, आएंगे। हाँ सर, अभी एक 5 मिनट में आए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं निकला, समझो पहुंच गया। हाँ, अरे अभी ना मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन सर, अरे फॉर्म का ना, ऐसा करो तुम इसको अभी तुम्हारे पास रखो, भर लो किसी से, और टेंशन नहीं लो, कल सुबह दिया तो भी चलेगा। 9 बजे तक मेन ऑफिस में सबमिट करना है, 7 बजे का चौक से मेरा बस रहेगा, तुम ऐसा करना, 6:45 आके मुझे दे देना। मैं इतना कर सकता है तुम्हारे लिए, अभी ये किसी से भी सिंपल, एकदम सिंपल है। चलो मैं आता हूँ। इमरान के अब्बू भी आते छोंके दुकान बंद करके, भर देंगे तेरा फॉर्म। ये नोटबंदी की वजह से ना प्रॉब्लम हो गया है, कोई बात नहीं, सरकार ने तो अच्छा ही किया है, लोगों का क्या गाली देने का, सिर्फ थोड़ा सीख लेते, पढ़ लिख लेते तो इंटरनेट से भी ट्रांसफर कर देते ना, ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। खाला 8 बज रहे, मैं क्या बोल रही, आप ही भर दो ना मेरा फॉर्म। मेरे को नहीं आता वो, मेरा मर्द है ना पढ़ा लिखा। तेरा मर्द था क्या पढ़ा लिखा? 2 साल हो गए ना तुझे छोड़ के, किधर है वो? हेलो, हाँ हाँ हाँ, आप आ जाना आराम से। हाँ क्या है ना, इमरान का 10वीं का साल है, ऊपर से अंग्रेजी स्कूल, बहुत होनहार है इमरान, अभी से अपने अब्बू का हाथ बटाता है। अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसा हीरे जैसा बेटा दिया है। एक काम कर, तू इमरान के अब्बू आते हैं तब तक बर्तन साफ कर ले। जी खाला। तेरा शौहर तेरी गोद में बेटी डाल के छोड़ के चला गया ना, मैं तो बोलती हूँ तू शादी कर ले वापस, एक बेटी है तो क्या हुआ, कोई भी कर लेगा शादी तेरे से, बेटी बड़ी हो जाएगी, शादी करके चली जाएगी, तो तू क्या करेगी अकेली? औरत को तो मर्द होना च, नहीं तो मुश्किल है। हेलो, हाँ पा, हाँ अरे मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा अच्छा, वो अंदर आते ही बाई तरफ दूसरी बिल्डिंग है ना, वही वही। हाँ अरे मेरे ध्यान से ही निकल गया, मेरे आपा उनके शौहर और बच्चे आ रहे, अभी तो पहुंच ही गए होंगे। तू एक काम कर, तू कल सुबह आ, फिर बाद में देखते हैं। नहीं नहीं, मैं रुकती हूँ ना खाना। अमीना जी, इतनी रात को? नहीं भैया, भाभी तो नहीं है, कुछ अर्जेंट काम था क्या? ठीक है ठीक है, आइए अंदर आइए।
अरे इतनी सी बात, मैं कर देता हूँ आपका फॉर्म, बताओ। ठीक है, रुको मैं पेन लेके आता हूँ। अच्छी नौकरी जो लग गई आपको, तभी तो आपने काम छोड़ दिया। बढ़िया है। आपका पूरा नाम? अमीना शेख। अमीना शेख। और उम्र ऐसे ज्यादा नहीं होगी ना? अमीना जी, आपकी और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। मर्यादा की रेखा, अगर आप हमारे स्कूल में होते ना, हम बहुत अच्छे दोस्त होते। नहीं अमीना जी, कहाँ जा रहे? इतनी रात को आपको फॉर्म कौन भर के देगा? सैलरी चाहिए ना? हाँ तो अमीना जी, थोड़ा एडजस्ट करने का है क्या? हुआ कुछ नहीं है इसमें, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वॉचमैन, पकड़ो उसको, बुरके वाली को, सॉरी, पकड़ो उसको, जाने मत दो। अगले महीने फॉर्म भरने का, 2 महीने का पगार इकट्ठा लेने का। औरत को तो मर्द होना च, नहीं तो मुश्किल है। अरे अमीना जी, थोड़ा एडजस्ट करने का है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबह हो गई, उठ जाओ। अम्मी अम्मी, मैंने आपकी फॉर्म भी भर दी और उसके साथ फोटो भी चिपका दी है। फातिमा ने हाथ पकड़कर दस्तखत करवाया, हाथ में पकड़ी कलम, और मेरी फातिमा ने बहुत कुछ सिखाया। मैं लोगों में फरिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे को तो खुदा मिला, मेरी बच्ची में।
क्या खुदा हर एक में बसता है? हर कोशिश करने वालों के लिए शायद कोई दुआ करता है। ना थकने का, ना रुकने का, मानने का नहीं कभी हार। तू झांक अपने अंदर, कर रही होंगी तेरे अंदर भी एक आमीना इंतजार।